हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की व्लॉग में हम रिव्यू करेंगे किया सोनेट ये गाड़ी का। तो आज हमारे सामने रिव्यू के लिए जो गाड़ी का वेरिएंट है वो है दोस्तों 7-speed DCT वेरिएंट। तो गाड़ी का पहले मैं आपको वॉक अराउंड दिखा दूंगा और उसके बाद हम डिटेल रिव्यू करेंगे और गाड़ी के सब स्पेसिफिकेशन वगैरह देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं व्लॉग। XUV 300 के साथ, फोर्ड की इको स्पोर्ट के साथ और टोयोटा की जो अर्बन क्रूजर आने वाली है उसके साथ। तो बात करेंगे गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, तो तीन इंजन ऑप्शंस मिलेंगे आपको। पहला वाला है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 83 PS की पावर मिलेगी और आपको 115 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यही आपको ऑप्शन मिलेगा। बात करें सेकेंड इंजन ऑप्शन की, तो आपको 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसमें आपको 120 PS की पावर मिलेगी और 172 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और ये आपको 6 स्पीड IMT मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर आपको 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन में मिलेगा। और बात करें थर्ड इंजन ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको 1.5 लीटर का CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप का डीजल इंजन मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है, 100 PS की पावर का है जिसमें आपको 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और 115 PS का है उसमें आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो ये ऑप्शन है आपके पास। और गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोस्तों 45 लीटर की है। और दोस्तों ARI माइलेज कंपनी के आप देख सकते हैं 1.2 लीटर की, 1 लीटर और 1.5 लीटर की सभी की आपको इधर मिल जाएगी, तो ये भी आप पॉज करके देख सकते हैं। तो बात करें दोस्तों गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की, तो गाड़ी के स्ट्रक्चर के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से किसी भी दुर्घटना के समय ये गाड़ी आपको अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। तो सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखेंगे गाड़ी में, तो 6 एयरबैग सबको मिलेंगे दोस्तों, ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, VSM मतलब व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर मिलेगा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, तो ये सब आपको फीचर्स मिलेंगे इस गाड़ी में। तो अच्छा है दोस्तों, टोटली सेफ्टी देख रही है आपको किया इस गाड़ी में। और इस गाड़ी में दोस्तों किया आपको फ्रंट सेंसर्स भी दे रही है, तो किसी भी कंजेस्टेड एरिया में पार्किंग के लिए वगैरह अच्छा रहेगा गाड़ी में। तो चलिए गाड़ी का रिव्यू अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेरिएंट में किस तरह से है। किया का दोस्तों लोगो आपको बोनेट में मिलेगा, जैसे किया की सेल्टोस में अगर आप देखते हैं उसी तरह का, और बहुत अच्छा दिखता है, देखिए किस तरह से है। और किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल आपको मिलेगी जिसमें आपको ब्लैक हाई ग्लॉसी फिनिश मिलेगा, रेड एसेंट भी मिलेंगे और GT लाइन की ये जो गाड़ी है ये वेरिएंट है, ये GT लाइन का आपको लोगो भी इधर मिलता है, देखिए किस तरह से है। और ग्रिल में दोस्तों आपको डायमंड नर्लिंग का पैटर्न के साथ आपको क्रोम वर्क भी मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा दिखता है, आप देख सकते हैं किस तरह से नर्लिंग वर्क है। और बात करें हेडलाइट की, तो आपको क्रोम जेवेल LED हेडलाइट्स मिलते हैं जो एक एग्रेसिव फ्रंट लुक प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड और मस्कुलर रोड प्रेजेंस को भी हाईलाइट करते हैं। ऑटो हेडलैम्प और फॉलो मी हेडलैम्प का भी ऑप्शन है और फोगलाइट दोस्तों आपको प्रोजेक्टर टाइप के मिलेंगे यहाँ पर। और फ्रंट बम्पर में वगैरह दोस्तों आपको एक स्पॉटी रेड एसेंट मिलेंगे, मस्कुलाइन आपको फ्रंट स्कीड प्लेट्स भी मिलेंगी, तो बहुत ही अच्छी दिखती है गाड़ी, आगे से देखिए ये सही लगती है गाड़ी। और दोस्तों DRL की बात करें, तो आपको हार्ट बीट टाइप LED DRLs विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर लाइट्स, तो ये भी आपको दिखेंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से है। और ये इंडिकेटर लाइट्स भी बहुत शानदार लगती है दोस्तों, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से। तो ओवरऑल दोस्तों गाड़ी एक लग्जरी लुक प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से देखिए, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों इसका फ्रंट, और बहुत ही अच्छा और एक एग्रेसिव और वाइल्ड लुक देती है गाड़ी। तो साइड से देखेंगे हम, तो गाड़ी का जो DCT वेरिएंट है, जो 7-speed DCT, इसका आपको क्रोम में यहाँ पर लोगो मिलेगा, आप देख सकते हैं किस तरह से है। तो गाड़ी का जो फेंडर है उस पर आपको क्रोम में मिल जाएगा। और टायर की बात करें दोस्तों, तो R16 के आपको क्रिस्टल कट एलॉयज मिलेंगे जहाँ पर आपको स्पोर्टी रेड सेंटर व्हील कैप मिलेगा। और दोस्तों ब्रेक का जो कैलिपर है वो आपको रेड कलर में मिलेगा, जैसे स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को।
और साइड क्लैडिंग वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रोम के डोर हैंडल्स वगैरह है गाड़ी में, तो बहुत ही अच्छा लुक देती है गाड़ी को, मिनी एसयूवी। और क्रोम की स्ट्रिप्स वगैरह है गाड़ी में एडिशनल। और जो ORVMs है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग और आपको एडजस्टेबल भी मिलते हैं, जिस पर आपको टर्न लाइट इंडिकेटर्स भी मिलेंगे, तो ये भी अच्छा है आप देखिए। और ये क्रोम की लाइनिंग जो है गाड़ी को अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, आप देखिए पूरी एक स्ट्रिप मिलती है आपको यहाँ पर, तो ये भी अच्छा है। तो ये बाद में आप बेस मॉडल भी लोगे तो भी आप दोस्तों इसमें ये एसेसरीज बाद में आप एडिशनल लगा सकते हैं, क्रोम हैंडल्स जो डोर वाइजर्स वगैरह है वो आप बाद में लगा सकते हैं। कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन है इधर। और गाड़ी का ए पिलर है वो गाड़ी के कलर का ही आता है, बी पिलर आपको ब्लैक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह से। और पीछे से देखो दोस्तों गाड़ी, तो आप देख सकते हैं हार्ट बीट LED टेल लाइट मिलेगी आपको, और जहाँ पर आप देख सकते हैं डिफोगर वगैरह है गाड़ी में। रियर वाइपर भी मिलेगा, किया की लोगो है देखिए, सोनेट की ब्रांडिंग है क्रोम में लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको GT लाइन का भी लोगो मिलेगा देखिए किस तरह से है। और बम्पर की बात करें तो आपको ड्यूअल मफलर टाइप की डिज़ाइन मिलती है, और एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं राइट साइड में है नीचे, और ये डिज़ाइन को बम्पर को दोस्तों रेड एसेंट भी मिलते हैं, तो गाड़ी बहुत ही अच्छी दिखती है। और सोनेट लिखा है वहाँ पर आपकी नंबर प्लेट भी आ जाएगी। और दोस्तों फ्लोटिंग टाइप के आपको रूफ रेल्स भी मिलेंगे गाड़ी में, शार्क फिन एंटीना भी है देखिए, और इलेक्ट्रिक आपको सनरूफ भी मिलेगा। तो ये हो गया एक्सटीरियर, तो चलिए इंटीरियर की तरफ जाते हैं गाड़ी के। तो बात करें इंटीरियर की दोस्तों, तो आपको सिंगल टन में इंटीरियर मिलता है, आप देख सकते हैं जैसे आपको किया सेल्टोस मिलता है उसी तरह का मिलता है, आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स वगैरह सेम किया सेल्टोस जैसे ही है दोस्तों। इनबिल्ट ट्विटर मिलेगा आपको इधर, और ड्राइवर साइड का वन टच ऑटो अप डाउन विथ एंटी पिंच फंक्शन, तो ये भी आपको मिलेगा। और दोस्तों ORVM और पावर विंडो के कंट्रोल्स भी मिलेंगे आपको इधर, तो बॉटल होल्डर वगैरह है, और यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और बात करें दोस्तों स्पीकर की, तो आपको बोस के प्रीमियम 7 स्पीकर सिस्टम मिलती है, जिसमें आपको LED साउंड मूड लाइट्स भी मिलते हैं, जो आपके म्यूजिक के बीट के ऊपर चेंज होते रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टिच में मिलती है रेड कलर में, और बहुत अच्छे आपको लेदर में मिलता है ये पार्ट, और कम्फर्टेबल और लग्जरी लगती है। तो ओवरऑल आप देखें तो दोस्तों डोर का इंटीरियर तो बहुत सही है, तो गाड़ी का इंटीरियर भी हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको फ्यूल की लीड खोलने के लिए लीवर है, और स्पोर्टी एलॉय पैडल्स आपको मिलेंगे गाड़ी में, खाली एक्सलेटर और ब्रेक है दोस्तों, क्लच नहीं है, तो ये लीवर से आप गाड़ी का बोनेट वगैरह खोल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए किस तरह है गाड़ी। और बात करें सीट्स की दोस्तों, तो आपको ब्लैक लेदर में सीट्स मिलती है, जहाँ पर आपको रेड में ड्यूअल स्टिचिंग है। और दोस्तों आपको वेंटिलेटेड ड्राइवर और पैसेंजर सीट का भी फीचर मिलता है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करेंगे गाड़ी के स्टेयरिंग की, तो आप देख सकते हैं 3-spoke में स्टेयरिंग है दोस्तों, लेदर रैप स्टेयरिंग है, और आप देख सकते हैं किया की लोगो है, यहाँ पर होन है गाड़ी का देखिए किस प्रकार है। और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के सब स्विचेस मिलेंगे इधर, और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिखता है। और लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट के सब स्विचेस मिलेंगे यहाँ पर, और GT लाइन का आपको लोगो भी मिलेगा दोस्तों, और रेड ड्यूअल स्टिच भी बहुत सही लगती है, और डी कट शेप में डिज़ाइन आपको मिलता है स्टेयरिंग का, तो ओवरऑल देखें तो अच्छा है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको 4.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या है वो भी हम देखेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं राइट साइड के टॉप कॉर्नर में गाड़ी में कितना फ्यूल है, ये आपको पता चलता है, एनालॉग गेज है। राइट साइड के बॉटम कॉर्नर में आपको गाड़ी की कितनी हीटिंग हुई है इंजन के, वो भी पता चलता है, इसके लिए भी दोस्तों एनालॉग गेज है। और लेफ्ट साइड में आप देखें तो दोस्तों आपको RPM भी दिख जाता है देखिए, और स्पीड दोस्तों गाड़ी की डिजिटल में आपको शो हो जाएगी। और छोटा सा जो डिस्प्ले आपको देख रहा है उधर क्या क्या है वो भी हम बात करेंगे, तो उसमें आपको दोस्तों टायर का प्रेशर भी पता चलता है, गाड़ी अभी तक कितने किलोमीटर्स रन हुई है वो भी पता चलती है, टाइम क्या है वो पता चलता है, कितना टेम्परेचर है वो पता चलता है, गाड़ी कौन से गियर में है वो भी पता चलती है, फ्यूल कितना है उसमें गाड़ी कितनी किलोमीटर्स रन हो जाएगी तो रेंज पता चलती है आपको। बाद में आप ट्रिप मीटर भी सेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप देखें तो दोस्तों साइड लाइट वगैरह कौन सी लाइट आपकी ऑन है, साइड लाइट, पार्किंग लाइट, डिपर, तो ये सब आपको पता चलता है। और नीचे आप देखें तो दोस्तों सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट, बाद में आपके अगर डोर्स खुले हैं तो वार्निंग लाइट, हैंडब्रेक वाली लाइट, इंजन की लाइट, इंजन ऑयल चेकअप, तो ये सब आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल देखे तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया है, अगर आप किया सेल्टोस और ये गाड़ी का देखें तो दोनों में आपको बहुत अंतर नज़र में आएगा, क्योंकि किया सेल्टोस का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अलग है थोड़ा सा इसके मुकाबले। तो किया सेल्टोस का कैसा है वो हम उस ब्लॉग में बात करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो बहुत अच्छा है दोस्तों, सिंपल एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। इस गाड़ी में दोस्तों आपको UO स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी ये भी फीचर मिलता है, जिसमें आपको 57 स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे दोस्तों, और A1 वॉइस कमांड, OTA मैप अपडेट्स, जो आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सेफ, कन्वीनियंट और एंजॉयबल बनाएंगे। और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का भी आपको फीचर मिलता है,
जिसमें आप हेलो किया बोल के सनरूफ वगैरह खोल सकते हैं, जैसे आप एमजी एक्टर में वगैरह देखते थे हेलो एमजी, उस तरह से आपको हेलो किया इसमें बोलना पड़ेगा, तो ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ पर स्विच मिलेगा। तो अभी गाड़ी की चाबी नहीं है इधर, तो गाड़ी चालू नहीं होगी दोस्तों। और बात करें दोस्तों गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपको 10.25 इंच का HD टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, और जैसे आपको किया सेल्टोस में मिलता है उसी तरह से आपको दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट दोनों कनेक्टेड ही मिलते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके नीचे आपको AC वेंट्स मिलेंगे, और हाई ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है AC वेंट्स, तो बहुत अच्छे दिखते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग का भी ऑप्शन है, और आप देख सकते हैं AC के सब स्विचेस वगैरह। ज़्यादातर हमारे गाड़ियों में दोस्तों AC के कंट्रोल थोड़े से नीचे होते हैं, पर ये गाड़ी में जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही ऊपर है और AC के वेंट्स भी ऊपर है, तो इन्होंने AC के वेंट्स के बीच में आपको AC के सब कंट्रोल्स वगैरह दिए हैं। और ट्रैक्शन कंट्रोल के वगैरह स्विचेस मिलेंगे। इधर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है गाड़ी में, तो ये भी अच्छा है। और इधर आपको USB लगाने के लिए भी ऑप्शन है, USB अगर आप लगा सकते हैं। बाद में आपको 12 वोल्ट का DC चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा, तो आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है अगर आपके मोबाइल को, तो आप इस तरह से भी चार्जिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी मिलेगा। बात करें गियर की, तो आप देख सकते हैं पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और आप देख सकते हैं ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है, और नर्लिंग दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी दिखती है, नर्लिंग अच्छी तरह से की है। दो कप होल्डर्स मिलेंगे, यहाँ पर आप अपना सैनिटाइजर वगैरह रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का कप वगैरह। हैंड ब्रेक देखिए आप किस तरह से है, तो ओवरऑल अच्छा है। और यहाँ पर आपको स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट के लिए लीवर मिलता है, तो आप स्टेयरिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो बहुत अच्छा आपको कंफर्ट मिलता है और एक लग्जरी है गाड़ी में। और ये आप देख सकते हैं हेडलाइट के स्विचेस और वाइपर के, जैसे आपको किया सेल्टोस में मिलते हैं उसी तरह से, और इसको भी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एयरबैग वगैरह है, और यहाँ पर आपको ये ड्रॉवर मिलेगा, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं गाड़ी में, तो देखिए। और हेडरेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है, ड्यूअल स्टिच में ये मिलते हैं आपको। और देखिए रियर व्यू मिरर वगैरह किस तरह से है, नाइट मोड वगैरह सब है इसको। और ये सनवाइजर्स देखिए, इधर वैनिटी मिरर मिलेगा आपको। और ये लाइट्स दोस्तों येल्लो है, किया सेल्टोस में सफ़ेद मिलते हैं, तो सफ़ेद होता तो सफ़ेद होती तो अच्छा होता, फिर भी कोई बात नहीं। सनरूफ आप देख सकते हैं, और ये आप मैन्युअली इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो पीछे के सीट्स वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों, तो अभी पीछे जाके देखेंगे सेकेंड रूम में किस तरह से है, क्या मिलता है आपको इधर। तो पहले हम देखें तो इंटीरियर आपको अच्छी तरह से ऐसे ही मिलता है, ब्लैक में आप देख सकते हैं किया सेल्टोस, जैसे डोर ओपनिंग है, डोर आपको आर्मरेस्ट वगैरह मिलेंगे, पावर विंडो के कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर वगैरह है, डोर पॉकेट सब मिलेगा, बोस के स्पीकर भी मिलेंगे इधर आपको। और ये हैंडल भी सही है, जैसे मैंने आपको दिखाया ड्यूअल स्टिच में मिलते हैं। और जो ड्राइविंग वाला सीट है दोस्तों, वो मैंने मैक्सिमम जितना हो सके उतना पीछे किया है, ताकि मैं नी रूम देख सकूँ। और इंटीरियर देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिखता है, एक फ्रेश इंटीरियर आपको दिखता है इस गाड़ी में, तो पीछे से भी इस गाड़ी का व्यू अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट वगैरह है, और इधर आपको एयर प्यूरीफायर भी मिलेगा। और ये जो रियर AC वेंट्स है उनकी भी डिज़ाइन अच्छे से रखी हुई है, आप देख सकते हैं नलिंग भी है, और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी है, मोबाइल रखने के लिए जगह भी है, और सीट को पॉकेट भी है। और देखिए मैक्सिमम सीट पीछे करने के बाद भी इतना स्पेस बचता है, तो ओवरऑल सफिशिएंट है। और देखिए आप इस तरह से है, तो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं गाड़ी में, तो इतनी अच्छी है गाड़ी। और सनरूफ वगैरह इधर भी आपको लाइट मिलेगी, और ग्रैब हैंडल्स वगैरह होते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, पार्सल ट्रे भी है गाड़ी में। और सेकेंड रो में आपको खाली दो ही हेडरेस्ट मिलेंगे दोस्तों, सेंटर में हेडरेस्ट नहीं है, और इसी तरह से देखिए ड्यूअल स्टिच में है, तो ओवरऑल अच्छा दिखता है। और ये आर्मरेस्ट देख सकते हैं आप सेकेंड रो में, दो कप होल्डर्स भी है, तो ये नहीं चाहिए तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और ये मुझे डिज़ाइन दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, तो सीट्स वगैरह बहुत ही अच्छे है। और डिक्की आप देख सकते हैं, तो ये पार्सल ट्रे है दोस्तों, ये आप ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो इस तरह से। तो बूट जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 392 लीटर्स का आपको बूट मिलता है, तो सफिशिएंट है दोस्तों, सब 4 मीटर SUV में इतना स्पेस होता है अगर आप वेन्यू वगैरह कंपेयर करें तो। ओवरऑल डिक्की अच्छी है, तो देखेंगे हम, तो स्पेयर व्हील वगैरह देखेंगे गाड़ी का, तो देखिए इस तरह से स्पेयर व्हील, जैक आपका, हजार ट्रेंगल वगैरह ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पर, तो ओवरऑल अच्छी है गाड़ी देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आपको सब ऊपर भी मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपको बूट की एक ट्रंक लाइट मिलेंगी यहाँ पर, तो बूट खोलने के बाद ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, तो देखिए। और रिफ्लेक्टर आप देखिए दोस्तों कनेक्टेड टाइप के हैं, तो इसमें भी आप बाद में आफ्टर मार्केट एसेसरी में लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं, जैसे लोग लगाते हैं आजकल। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेंसर्स वगैरह मिलेंगे, तो ओवरऑल दोस्तों गाड़ी पीछे से भी बहुत अच्छी दिखती है आप देखिए। और कैमरा देखिए दोस्तों, यह किया का जो लोगो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैमरा वगैरह मिल जाता है। तो अभी बात करेंगे कि गाड़ी में आपको क्या क्या कलर्स मिलेंगे दोस्तों, बेज गोल्ड, इंटेलिजेंस ब्लू, अरोरा पियर ब्लैक, इंटेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे, स्टील सिल्वर,
ग्लेशियर प्योर व्हाइट, बेज गोल्ड प्लस अरोरा ब्लैक रूफ ड्यूअल टोन, ग्लेशियर व्हाइट प्लस अरोरा ब्लैक रूफ ड्यूअल टोन, इंटेंस रेड प्लस अरोरा ब्लैक रूफ ड्यूअल टोन। तो बात करें गाड़ी के ओवरऑल मेजरमेंट्स की, तो आप देख सकते हैं हाइट है गाड़ी की 1642 mm, ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की 3995 mm, ओवरऑल विथ है गाड़ी की 1790 mm, व्हील बेस है गाड़ी का 2500 mm, और जैसे कि बूट स्पेस मैंने बता दिया 392 liters का। और किया शोरूम के मिस्टर शारंग कामत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और बहुत सारी बातें बताई। सो वंस अगेन मिस्टर शारंग कामत, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस इन्फो अबाउट दिस कार। तो इस ब्लॉग में हमने दोस्तों आपको किया शोरूम में जाके किया की जो सोनेट नई गाड़ी आई है उसका 7-speed DCT वेरिएंट का आपको डिटेल में रिव्यू कर दिया और गाड़ी के सब स्पेसिफिकेशन डिटेल्स वगैरह सब आपको बता दिए। तो आपको गाड़ी कैसे लगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों, और मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑटोमोटिव कॉन्टेंट बनाता हूँ जिसमें मैं कार्स और हैवी व्हीकल्स पर भी ब्लॉग्स बनाता हूँ और नई जो गाड़ी आती है उनके मैं हिंदी में आपको रिव्यूज़ भी देता हूँ। तो आपके और कुछ क्वेरीज है डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी।